हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मुलाकात एक दिन के बाद हो रही है, जैसा कि शेड्यूल रहा तो आज से फिर से क्लासेज आपकी कंटिन्यू हो रही हैं। ठीक है, अभी रात 10 वाली भी क्लासेज मिलेंगी आपको, जो लाइव ग्रामीण विकास जो डिस्कस करना है। और आज मैं जीएस प्लस में जो पॉलिटी पढ़ा रहा था उसकी जगह पर हिंदी की क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि जो हिंदी का टॉपिक आपका है, ठीक है, ये टॉपिक जो 2016 वाले आरओएआरओ की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए, और आप किसी भी परीक्षा में जहां हिंदी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं उन सभी के लिए यह बहुत ही आपका महत्वपूर्ण बिंदु है। जिस आज हम पॉइंट को शुरुआत करने जा रहे हैं, हिंदी व्याकरण में इसका रोल बहुत अहम है। अपने समाज में आप देखते हो तो कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके साथ विशेष जुड़ा होता है। ऐसे जब शब्दों की हम बात करते हैं, पूरा जो आठ भेड़े माना जाता है सार्थक शब्दों में, उन सार्थक शब्दों के आठ भेड़ों में आपके जो यह शब्द आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यह भेड़ एक तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, ये सभी से क्या है, बीआईपी है। तो वहां पर जो चीजें आती हैं वो मतलब जितने आपके अलग अलग शब्द हैं, चाहे संज्ञा है, चाहे सर्वनाम है, चाहे क्रिया है, जब उनमें कोई खास बात हो जाती है, ठीक है, उस खास बात को बताने वाले कुछ शब्द हमें मिलने लगते हैं, और जो शब्द उस खास बात को बताते हैं उन शब्दों को हम एक विशेष शब्द के अंतर्गत रखते हैं, जिसको यहां विशेषण बोला जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह विशेषण एवं विशेष है। हम समीक्षा अधिकारी के लिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, जो लोक सेवा आयोग जैसा पैटर्न आपसे पूछता है कि कहीं कहीं आपसे विशेष पहचानने को पूछता है, ठीक है, और कहीं कहीं आपका चूंकि 10 सवाल आपके होते हैं विशेषण विशेष से, तो इसमें एक तो आपका वाक्य में विशेषण जैसा प्रयुक्त तो होता है वो संसार सवाल होता है, दूसरा एक पूरा वाक्य दे देगा उसमें कितने विशेषण और कितने विधेय जो है आपके विशेष हैं इनको पहचानना होता है, तीसरा होता है सीधा सीधा विशेष को चुनना, और चौथा जो प्रकार होता है विशेषण को चुनना। तो विशेषण के आपको प्रकार बहुत अच्छे से आने चाहिए इसमें, ठीक है। विशेष कैसे हम परिभाषित करते हैं, कैसे वाक्यों में विशेषण विशेष को देखा जाता है, ठीक है, विशेषण और विशेष में रिलेशन क्या होता है, इन सभी मुद्दों पर आज हम बहुत अच्छे से पारंपरिक ढंग से बहुत पर्याप्त रूप में चर्चा करेंगे। आप सभी को जैसा कि मालूम है कि टीम परीक्षा प्लस आप सभी के लिए 10 प्लस कोर्सेज के अंतर्गत, ठीक है, सारे यह कोर्स प्रोवाइड कर रही है जो आपके पूरी तरीके से निःशुल्क हैं। तो इन 10 प्लस कोर्सेज पर हम लोग फोकस होकर आपको सारे अलग अलग कोर्सेज के वीडियोज दे रहे हैं। जो जीएस प्लस की सीरीज है उस जीएस प्लस की सीरीज आपके आरओएआरओ या किसी भी परीक्षा में, जो लोग खासकर यूपीपीसीएस में बैठने जा रहे हैं इस बार, वो जीएस प्लस की पॉलिटी जितनी पढ़ाई जा रही है और जितना हिस्ट्री चल रहा है, इसके अलावा आगे जो होगा आप इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पाओगे। इसीलिए इन वीडियोस को बहुत ढंग से देखिए भैया। अभी आपने नहीं देखा है तो वो 10 प्लस कोर्सेज में जीएस प्लस, ठीक है, हिस्ट्री और जीएस प्लस पॉलिटी नाम से है, दोनों को देख डालो। पॉलिटी के मैंने 1100 प्रश्न करवा रखे हैं अलग से, उस 1100 प्रश्न को देख डालो, ठीक है। तो पॉलिटी से संबंधित देखो 150 क्वेश्चन में से 20-22 क्वेश्चन आपका मतलब छोटे से आप मुद्दे से अगर समझ ले जा रहे हो तो इससे बढ़िया भैया रणनीति कोई नहीं होती है। आप सामान्य सा प्रश्न पत्र उठाकर देखिए, अगर आपका 40 क्वेश्चन जी एस आ रहा, जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया या कोई वो हो गया, तो उसमें भी आप ये देखोगे कि 6 से लेकर 7 क्वेश्चन आपका जी एस का होता है। अपने यहां यूपी ट्रिपल एससी जैसी संस्थाएं, यूपी ट्रिपल एससी में हिंदी का जो रोल होता है वो मिनिमम आपके 25 क्वेश्चन से शुरू होता है और 40 प्रश्न तक जाता है। तो ये जो हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूं, ये यूपी ट्रिपल एससी में जो भी आप या हिंदी भाषा कोई भी परीक्षा, मैंने बताया कि आज का टॉपिक आपका लोक सेवा आयोग के लिए बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आपका ऐसे बहुत ही जरूरी है। मतलब हिंदी जिन जिन आपके राज्यों में पूछी जाती है वहां इससे बाहर हिंदी नहीं होगी, मैं यह भी दावा करता हूं। ऐसा नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश विशेष को फोकस करके ही मैं पढ़ा रहा हूं, मैं जितनी चीजें आपको पढ़ा रहा हूं आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें जहां हिंदी पूछा जा रहा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वह सारे लोग जिन्होंने अभी तक इस प्रोग्राम में अपने आप को हमसे जोड़ रखा है, ठीक है भाई, सभी का धन्यवाद। वीडियो सभी निःशुल्क हम दे रहे हैं। अगर आपको हर एक क्लास की पीडीएफ चाहिए भैया और क्विज चाहिए, तो पीडीएफ और क्विज के लिए आप 3 महीने का एक प्लान ले लीजिए हमारा, जिसमें हम आपको जो है 499 रुपए में हर एक क्लास की पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे भैया, और जो उससे संबंधित क्विज होती है, जैसे जो क्लास पढ़ाई जाती है उससे संबंधित क्विज भी होती है,
तो उस क्वेश्चन को भी आप एसेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है, क्योंकि नोट्स अगर आप चाहते हैं अच्छा खासा, हम जो आपको पीडीएफ देंगे वो अपने आप में एक डिटेल नोट्स होती है और अच्छी तरीके से मतलब तैयार की गई फॉर्मेट में होती है कि आप प्रिंट करा के भी व्यवस्थित ढंग से अपने आप को रख सकते हैं, ठीक है। इस 3 महीने के प्लान में जितना हम पढ़ाएंगे 3 महीने के अंत में सारी पीडीएफ बना के दे देंगे, कि ऐसा नहीं है कि आपको एक एक दिन की निकलवानी पड़े, पूरी एक दिन की पीडीएफ आपके साथ कंबाइन हो जाएगी और आपके कहीं पर जाकर उसको निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग अभी प्लान से नहीं जुड़े हैं सभी लोग जल्दी जल्दी रजिस्टर कर लीजिए भैया, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहा है, ठीक है। इस पर कोई भी आपको दिक्कत आ रही इन नंबर्स पर आप किसी पर भी कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। बाकी कोई भी हमारी टेस्ट सीरीज का क्रैश कोर्स है, ठीक है, जैसे आपका बीओ का क्रैश कोर्स हो गया, ठीक है, टेस्ट सीरीज लेना, मटेरियल लेना, यूपीपीसीएस का हो गया, तो उन सभी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए या आप परीक्षा प्लस ऐप, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सीधा खरीद सकते हैं, ठीक है। हम क्रैश कोर्स भी चलाते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज बढ़ते हैं, ठीक है, आज हम पढ़ते हैं हिंदी में विशेषण एवं विशेष्य को पढ़ते हैं, बहुत ढंग से देखिएगा सारे टॉपिक को, ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। विशेषण एवं विशेष्य आपका टॉपिक है, ठीक है, जो लोग नोट करना चाहें जहां पर मैं फास्ट होता हूं वहां वीडियोज आप रोक दीजिए। देखो नोट्स जब बनाइए तो एक बार पूरे लेक्चर को देख लीजिए डिटेल में, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद दोबारा आप लेक्चर ओपन करिए फिर आप नोट्स बनाना प्रारंभ करिए मेरे अनुसार, ठीक है। एक बार आप अच्छे से सुनो सारी चीजों को, बहुत ढंग से ध्यान दीजिए। तो भैया विशेषण क्या शब्द होते हैं, सबसे पहले मुद्दा तो आपका यही उठता है कि आखिर विशेषण है क्या। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि विशेषण के शब्दों की जब हम बात करते हैं, विशेषण सबसे पहले तो यह विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। विकारी शब्दों में यह आता है तो विकारी शब्दों में जितना हम विशेषण शब्दों को पढ़ते हैं उन शब्दों में का सभी विकारी रूप है, ऐसा नहीं है। कुछ आपके अविकारी भी विशेषण होते हैं, लेकिन जितना हम प्रयुक्त करते हैं उसमें से लगभग 97% बोला जा सकता है विशेषण के शब्दों को कि वो सब विकारी होते हैं, ठीक है। और अविकारी में लगभग 3% के करीब विशेषण के शब्द आते हैं जो अविकारी होते हैं, यानी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। विशेषण होता क्या है भाई, ऐसे शब्द हमें मिल जाए, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। अब मैंने आपको संज्ञा भी पढ़ा रखा है और सर्वनाम ही पढ़ा रखा है, यानी संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाने वाले शब्द आपके क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, ठीक है। अब यही बात अगर मैं आपसे ऐसा कहूं जहां पर शब्द आपके संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता ना बतलाएं, जहां पर वह शब्द क्रिया की विशेषता बतलाने लगते हैं वहां पर इनको हम क्रिया विशेषण के तौर पर जानते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण आपका किस तौर पर होता है, अविकारी शब्दों में आता है, तो इसको हम क्रिया को पढ़ने के बाद क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। यानी जब विशेषण ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जब बतलाते हैं तो वह विशेषण कहलाते हैं, लेकिन वह शब्द जब आपके क्रिया की विशेषता बतलाने लगते हैं तो वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया विशेषण तो हमारा बात का टॉपिक है, अभी आज हमें मूल रूप से संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ना है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता आखिर ये कैसे कैसे बतलाते हैं, इन्हीं को बहुत ढंग से हमें आज जानना है, ठीक है। तो इस टॉपिक को तो हम बाद में पढ़ेंगे जब मैं आपको इसके बाद क्रिया पढ़ा दूंगा और क्रिया पढ़ाने के बाद सारी चीजें शुरू करूंगा। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब संज्ञा क्या होती है, संज्ञा नाम संज्ञा है जैसा कि मैंने बताया, तो नाम संज्ञा है, समझिए जैसे जैसे राम राम सुंदर लिखता है, ठीक है, राम सुंदर लिखता है। अब यहां पर देखिए, ठीक है, या इसको ऐसे करिए ज्यादा सही वो होगा आपका, राम बहुत सुंदर है, यहां पर मैंने एक शब्द लिया राम बहुत सुंदर है, ठीक है। दूसरा एक शब्द मैंने लिख दिया, ठीक है, मेरा कुत्ता काला है, दूसरा शब्द मैंने लिखा मेरा कुत्ता काला है, ठीक है, तीसरा मैंने शब्द लिखा, ठीक है, काली गाय घास चर रही है, काली गाय घास चर रही है। अब इन सारे उदाहरणों को आप देखिए, घास चर रही है,
अब इन तीनों उदाहरणों को आप समझे। पहला उदाहरण मैंने लिया कि राम बहुत सुंदर है, ठीक है। पहले उदाहरण में आपको क्या मिला कि राम बहुत आपका क्या है, सुंदर है। अब यहां पर आपको यह समझना है कि इसमें जो सुंदर शब्द आया ये राम की आपकी क्या बता रहा, विशेषता एक तरीके से बतला रहा कि राम सुंदर है। या मैं अगर बहुत शब्द को यहां से हटा भी दूं, ठीक है, बहुत शब्द को मान लीजिए मैंने हटा दिया कि राम सुंदर है, तब भी आपका क्या होगा, यह है वाक्य अपने आप में पूरा होगा और हमें यह पता चलेगा कि राम सुंदर है। यानी राम शब्द एक नाम है और नाम की विशेषता बतला रहा कौन, दूसरा शब्द। तो जो नाम की विशेषता बतलाते वह आपके क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, ठीक है। यहां नाम यानी राम की जो है शब्द है उसकी विशेषता दूसरा शब्द बता रहा, राम सुंदर है, ठीक है, सीता सुंदर है, ठीक है, राधा गोरी है, वह काला है, ऐसे शब्द जहां पर हमें मिलने लगे वह क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। दूसरा मैंने लिखा है मेरा कुत्ता काला है। अब कुत्ता आपका क्या है, काला है, तो काला शब्द जो है कुत्ते की क्या बतला रहा, विशेषता बतला रहा, इसलिए काला शब्द यहां पर क्या है, विशेषण शब्द हो गया। तीसरी बात, काली गाय घास चर रही है। अब काली गाय, ठीक है, अन्य कोई गाय के बारे में हमने बात नहीं किया, काली गाय यानी गाय कैसी, काली, तो गाय की विशेषता काली शब्द बता रहा, इसलिए यह यहां पर आपका क्या है, विशेषण हो गया, ठीक है। यानी ऐसे शब्द जो आपके संज्ञा की विशेषता बतला रहे वो क्या हो गए, विशेषण हो गए, समझ गए, यानी विशेषण की परिभाषा विशेषण में। अब दूसरी चीज यह बात आती है भैया कि ये जितने भी शब्द, जैसे आपने ऊपर देखा पहले आपका जो शब्द आया, जैसे एक अंतिम में शब्द रहा काली गाय, ठीक है, इससे पहले जो सबसे पहला शब्द मैंने लिया था राम को लिया था, राम सुंदर है, ठीक है, राम सुंदर है। तीसरा जो मैंने आपको उदाहरण बताया, उस उदाहरण में भी मैंने क्या बताया, जो है कुत्ता कैसा है, काला है, कुत्ता जो है काला है। अब यहां पर आपको समझना है कि जो जो शब्दों, जैसे यहां गाय की विशेषता काली, काली गाय लिखा है, यानी गाय की विशेषता काली शब्द बता रहा, तो गाय चूंकि आपने पढ़ा कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते वो विशेषण कहलाते, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि विशेषण यानी जैसे मैंने यहां पर काली जो शब्द लिखा है, ठीक है, अब यहां पर यह जो काली शब्द आपका आया है, ठीक, यह तो विशेषण हो ही गया, लेकिन यह जो दूसरा शब्द आपका बच रहा यह विशेषण हो गया, लेकिन दूसरा शब्द जो गाय आ गया यह गाय आपकी क्या हम संज्ञा बोलेंगे, यहां पर एक उसे विशेष नाम देते हैं, इसको हम विशेष ही बोलने लगते हैं, ठीक है, यहां संज्ञा नहीं, यहां विशेष बोलने लगते हैं। यानी विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन शब्दों को हम विशेष बोलते हैं, समझ गए, ठीक है। जैसे राम सुंदर है तो सुंदर शब्द आपका विशेषण यहां हो गया, लेकिन सुंदर किसी की विशेषता बतला रहा, सुंदर आपके राम शब्द की विशेषता बतला रहा, इसलिए राम यहां पर क्या है, विशेष है। यानी विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बतलाते हैं वह विशेष कहलाते हैं, समझ गए, ठीक है, पॉइंट ये क्लियर हो गया। ऐसे तीसरा मैंने यहां उदाहरण लिखा है कि काला कुत्ता। अब यहां पर जो कुत्ता है वह काला है, तो काला शब्द इसमें क्या हो गया, यह विशेषण हो गया, सीधा सीधा हमें पता चल गया। लेकिन जो कुत्ता शब्द है यह शब्द आपका क्या हो गया, यह विशेष हो गया। तो विशेष और विशेषण में आपको पहचान अलग हो गई होगी कि विशेष क्या है, विशेषण क्या है। दूसरी बात, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही एक चीज स्पष्ट कर दिया कि जब शब्द मिलेंगे और शब्द किसकी विशेषता बतलाएंगे, संज्ञा या सर्वनाम की, तो वह क्या होंगे, वह आपके विशेषण होंगे। लेकिन जब शब्द वो क्रिया की विशेषता बतलाने लगते हैं तो वह क्रिया विशेषण होते हैं। अब यहां पर आपको समझना है, जैसे मैं एक वाक्य आपके सामने लिख रहा हूं, वाक्य पर गौर करना, ठीक है, मैं आपके सामने एक वाक्य यहां लिख रहा हूं, जैसे इस वाक्य को समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। पहला वो जो वाक्य मैंने लिखा कि मेरा कुत्ता पीला है, मेरा कुत्ता पीला है। दूसरा मैंने शब्द क्या लिखा, यहीं पर दूसरा एक वाक्य लिखा, मैंने बोला मेरे पास पीला कुत्ता है, मेरे पास पीला कुत्ता है। अब यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा
क्या इन दोनों वाक्यों में कोई आपको अंतर लग रहा है? इन दोनों वाक्यों में क्या आपको कोई अंतर लग रहा है कि मेरे जो है मेरा कुत्ता पीला है? ठीक है, दूसरा वाक्य मैंने लिखा मेरे पास पीला कुत्ता है, दोनों में कोई अंतर लग रहा? कोई विशेषण को लेकर के आपको जो है आशंका हो रही कि यहां विशेषण बदल गया? विशेषण नहीं बदला, पहले वाले शब्द में समझो, अगर पहले वाले शब्द में मैं विशेषण लूंगा तो यहां पर भी पीला शब्द आपका क्या है? विशेषण है, और जो कुत्ता लिखा है वो क्या है? वो विशेष्य है। दूसरे शब्द में भी पीला शब्द आपका क्या है? विशेषण है। तो यहां पर विशेषण और विशेष्य दोनों में नहीं बदल रहे, बदल क्या रहा? इस विशेषण के आने का क्रम बदल रहा वाक्यों में। तो वाक्यों में विशेषण दो तरीके के प्रयुक्त होते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो विशेषण का प्रयोग होता है वाक्य में, यह दो तरीके से होते हैं, ठीक है? विशेषण का प्रयोग, ठीक है, विशेषण का प्रयोग कहां पर? मैंने लिख दिया वाक्यों में। कहां पर? वाक्यों में विशेषण का प्रयोग कैसे होता है इसको समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखो भैया, एक चीज तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी कि जब विशेषण में हम बात करेंगे, ठीक है, तो कहां कहां पर होगा विशेषण में, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक तो यह क्या होता है, संज्ञा या जो है संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है विशेषण, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के क्या होता है, बाद आता है, लेकिन क्रिया से क्या होता है, क्रिया के पहले होता है, क्रिया के पहले होगा, लेकिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद होगा। दूसरा जो इसमें विशेषण आपका पहुंचता है, ठीक है, दूसरा जो इसका आपको रूप देखने को मिलेगा, दूसरा रूप देखने को यह मिलेगा कि कहीं कहीं पर संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के पहले आपको विशेषण मिल जाता है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के पहले लिखा मिलता है, ठीक है। तो इन दोनों को समझिएगा, यानी संज्ञा या सर्वनाम के बाद यानी क्रिया से पहले विशेषण की स्थिति होती है, और दूसरा मैंने जो बताया कि संज्ञा या सर्वनाम के पहले विशेषण आ जाता है संज्ञा शब्द या सर्वनाम के, तो विशेषण की स्थिति दो प्रकार से बनती है। अब यहीं पर आपको एक मैं बात जो है याद दिलाना चाहूंगा कि जब आपने पढ़ा होगा वाक्य को, ठीक है, वाक्य तो यहां हमने नहीं पढ़ा अभी क्योंकि वाक्य इस शब्द के बाद आता है, लेकिन वाक्य में आपको यह ध्यान जरूर होगा कि जब आप कोई वाक्य पढ़ते हैं या वाक्य लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा राम पढ़ता है, तो इस वाक्य में, ठीक है, राम जो है यह क्या हो गया, राम आपका कर्ता हो गया, और बाकी बचा हम क्या बोलते हैं, विधेय बोल देते हैं, ठीक है। तो यह जो कंडीशन बनती है इसी को अब हमें व्यापक तौर पर समझना है, इसको कैसे हमें समझना है उसी चीज पर हम आपसे परिचर्चा करेंगे, ठीक है। अब इसी चीज को दिमाग में बनाए रखेगा, वाक्यों में जैसी स्थिति भैया बनती है इनकी, कि कहीं कहीं हमें देखने को मिल गया कि कहीं कहीं यह देखा आपने कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद यानी क्रिया के पहले विशेषण शब्द आ गए, और कहीं कहीं आपने देखा संज्ञा या सर्वनाम के पहले, ठीक है, विशेषण के शब्द आ गए, तो इनकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है यहीं से विशेषण और विशेष्य में एक संबंध की व्युत्पत्ति होती है, ठीक है। अब यहां पर संबंध ही तो बनने हैं, जब संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम यानी जिनकी विशेषता बतलाए उन्हें तो हमने विशेष्य बोला, अब विशेष्य से पहले और विशेष्य के बाद आने की जो बात बनती है इन्हीं को हमें बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, कि कौन सा, क्या इसको हम विशेष नाम देते हैं, क्या इसको हम विशेष नाम देते हैं, इन्हीं चीजों पर अब हमें बहुत अच्छे से समझना है पूरी चीजों को। यहां पर मैंने जो नोट्स दिया है जैसा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूं पूरी चीजें वैसे ही मैंने लगा रखी है, ठीक है। आपको कहीं भी थोड़ा सा समझ जो है ज्यादा समझना नहीं होगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, बहुत आसानी से समझ में आपको सब कुछ आ जाएगा। समझो, जैसे विशेषण और विशेष में मैंने जो संबंध आपको बताए हैं इन्हीं संबंधों को इसी अनुसार मैंने नोट्स में भी आपको दे रखा है, ठीक है। जैसे मैंने वाक्य में जो विशेषण मैंने बताया कि विशेषण के दो आपको जो है स्थिति के अनुसार मिलती है कि वाक्यों में, तो वाक्यों में विशेषण का जब प्रयोग ऐसा होगा तो विशेषण और विशेष में संबंध बन जाता है। पहला जो संबंध बनता है भैया उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। उद्देश्य विशेषण का मतलब होता है कि विशेष्य से पहले जो विशेषण लगते हैं उन्हें उद्देश्य विशेषण, यानी संज्ञा और सर्वनाम से पहले जो विशेषण लग जाए वह आपके उद्देश्य विशेषण होते हैं। जैसे सुंदर लड़की, दूसरा मैंने लिखा अच्छा लड़का, काला घोड़ा, ठीक है,
सीता सुंदर लड़की है, राम अच्छा लड़का है, मेरा मेरे पास काला घोड़ा है, या रमेश का घोड़ा ठीक है काला है। अब घोड़ा काला, काला घोड़ा, दोनों में परिवर्तन हो गया, ठीक है। ऐसे यहां पर भी परिवर्तन होता चला जाएगा। इन्हीं को समझना है, यानी उद्देश्य विशेषण आपका कब होगा, जब विशेष्य से पहले विशेषण लग जाए वह उद्देश्य विशेषण होगा। दूसरी बात, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। दूसरा जो इसका प्रकार होता है, जिसको हम विधेय विशेषण बोलते हैं, विधेय जो आपका विशेषण होता है भैया, ठीक, इसमें विधेय विशेषण में ऐसे विशेषी जो संज्ञा और सर्वनाम आदि के बाद, जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते परंतु क्रिया के पहले प्रयुक्त होते, ठीक है, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। मैंने दोनों को पहले ही आपसे चर्चा कर दी, ठीक है, तो अब दोनों की कंफ्यूजन अलग हो गई कि विधेय विशेषण क्या है, उद्देश्य विशेषण क्या है, समझ गए। जैसे ये सेब मीठे हैं, ठीक है, अब सेब पहले आ गया, विशेष शब्द आपका पहले आ गया, ठीक है, विशेषण बाद में आया, विशेष पहले मिल गया। वह लड़की सुंदर है, ठीक है, पहले मैंने क्या लिया था, वह सुंदर लड़की है, यहां आ गया वह लड़की सुंदर है, तो दोनों में उलटफेर हो गया। इसी वजह से इनको उद्देश्य जो है विशेषण और विधेय विशेषण में जो है अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब हम विशेषण के भेद की ओर बढ़ते हैं बच्चा, कि विशेषण के आपके भेद कौन कौन से होते हैं, इनको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब हम विशेषण के भेद की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझते जाना है और एक एक चीजें सारी हम उसी अनुरूप चलेंगे। देखिए, जो विशेषण के आपके भेद होते हैं, उन भेदों में आपको क्या करना है, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से समझिएगा और एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। विशेषण के जो भेद होते हैं ये केवल चार माने जाते हैं मुख्य रूप से, ठीक है, जो है मेनली। वैसे आप किताबों में कहीं कहीं पर आपको छह मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको आठ भी मिलेगा, कहीं कहीं दस भी मिलेगा, लेकिन जो मुख्यतः जो है विशेषण के भाग है भैया, वह चार भेद होते हैं। इन्हीं को आपको आगे बहुत व्यापक रूप से समझना है, क्योंकि जो लोग छह बताते हैं और जो लोग आठ बताते हैं, उनमें कई ऐसे विशेषण हैं जिन पर विवाद है, जो किसी न किसी के वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं, इसी वजह से छह और आठ की मान्यता कम होती है। मुख्य रूप से विशेषण के आपके चार भेद होते हैं, इन्हीं को बहुत अच्छे से समझिए। सबसे पहला जो होता है भैया वह गुणवाचक विशेषण, दूसरा जो होता है यह संख्यावाचक होता है, तीसरा होता है परिमाणवाचक और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। ये चार आपकी जो है अलग अलग इनकी जो है एक तरीके से वर्गीकरण बनते हैं, जिनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो विशेषण विशेष क्लियर हो गया। अब दूसरा टॉपिक मान लीजिए कि जैसे विधेय विशेषण उद्देश्य विशेषण पूछता, वो क्लियर मैंने करा दिया। विधेय को पहचानना, उस पर थोड़ा सा आपको काम करना है, ठीक है, पुराने क्वेश्चन जो आए हैं उनको थोड़ा सा काम कर लीजिए, तो वो क्लियर। अब चौथा इनके जैसे विशेषण के प्रकार से आपसे पूछता है डायरेक्ट कैसे आएगा, तो उसको समझते हैं। ठीक है, सीधा सीधा पूछ लेगा कि निम्न में से जो है सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, लेकिन या ऐसे सीधा दे देगा कि दिया गया शब्द किसका उदाहरण है, ठीक है, वहां ये चारों चीज, तो इसी को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखो गुणवाचक विशेषण से मैंने शुरुआत किया, दिख तो रहा ही होगा, ठीक है, गुणवाचक विशेषण से मैं शुरुआत कर रहा हूं, बहुत ध्यान से अब मेरी बातों को सुनना। ठीक है, देखो भैया, गुणवाचक गुण को जो है बताने वाले ऐसे शब्द हमें मिले, यानी जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध आदि बताते हैं, वह शब्द गुणवाचक कहलाते हैं। ठीक है, कई चीजें आती हैं गुणों में, ऐसा तो है नहीं, संसार में बहुत सारे चालाक होते, बहुत सारे धूर्त होते, बहुत सारे मूर्ख होते, बहुत सारे ज्ञानी होते, ठीक है, बहुत सारे अमीर होते, बहुत सारे निर्धन होते, बहुत सारे गरीब होते, तो सब कुछ अलग अलग चीजें बताती है, ठीक है, लेकिन बताती विशेषता ही है। तो इसी वजह से गुणवाचक विशेषण में ऐसे शब्दों को रखा गया कि जो किसी के गुण दोष आकार प्रकार रंग रूप और गंध आदि को बताते, वह शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते। जैसे पहला जो इसमें होता है गुणबोधक में कैसे कैसे आते हैं, ये गुणवाचक विशेषण में ही मैंने पहला गुणबोधक लिखा है, मतलब शब्दों के प्रकार कैसे कैसे मिलते हैं,
कौन कौन सी आपकी विशेषता है, तो कुछ शब्द आपको गुणबोधक मिलते हैं। उन गुणबोधक शब्दों में जैसे हमने बोल दिया सुंदर, बलवान, विद्वान, भला, उचित, अच्छा, ये सब गुणबोधक विशेषण है। ईमानदार, ठीक है, सरल, विनम्र, बुद्धिमानी, सच्चा, दानी, ये सारे गुण होते हैं किसी व्यक्ति के। तो पहला जो गुणवाचक विशेषण में है वो ये शब्द होते हैं। दूसरी चीज, अगर दोष बोधक में गुण दोष सब कुछ बताते हैं आपके विशेषण, तो बुरा, लालची, दुष्ट, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर, ठीक है, घमंडी, बेईमान, पापी, ये सब जो शब्द आपके आते हैं ये दोष बोधक हो गए। तीसरी बात समझिए, रंग बोधक होता है। रंग बोधक में ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपको लाल जो है किसी ना किसी रंग को, तो रंग को दर्शाना क्या है, आपकी विशेषता, ये तो बतला रहे। अरे वो काला कपड़ा वाला बच्चा, अब काला कपड़ा वाला बच्चा हो गया ना, वो रंग क्या है, आपके गुण को बता रहा। वो सुंदर लड़का गुण हो गया ना, वो काला लड़का, तो ये सब गुण ही है, ठीक है। अगली चीज क्या होती है, अवस्था बोधक। अरे लंबा, पतला, अस्वस्थ, दुबला, मोटा, भारी, ये सब अवस्था को दर्शाते हैं। पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, ठीक है, ये सारी चीजें अवस्था है। आगे चीज, स्वाद बोधक की अगर हम बात करें, क्या विशेषण स्वाद बोधक भी होते? बिल्कुल होते, गुणवाचक स्वाद बोधक के अंतर्गत होता है। खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, तीखा, ये सब भी तो किसी की विशेषता बतला रहे। हमने नमकीन खाई, बड़ी तीखी लगी, अरे ये तो तीखी नमकीन है, तो वहीं पर चीजें क्या हो गई, वो विशेषता किसी की बतला रही, ठीक है। तो वहां पर ये गुणवाचक विशेषण के भाव को प्रकट कर रही। अगली चीज जो छठा प्रकार इसका है भैया, वह है आकार बोधक, ठीक है, किसी की आकार को बताए, वो भी तो गुण है, आकार भी तो, कि मतलब जो है वो चपटा है, गोल है, ठीक है, तिकोना है, ये सारी चीजें, यानी गोल, चौकोर, सुडौल, समान, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, आकार को दर्शा रही। अगली चीज जैसे नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, बड़ा, छोटा, ठीक, ये शब्द इसमें नाहक में है, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सब आपके आकार बोधक। ऐसे स्थान बोधक होता है, स्थान बोधक में यानी जैसे उजाड़ है, कहते नहीं उजाड़ खंड है यार एकदम, ठीक है, कहीं कहीं बोलते हैं अरे चौरस एकदम भैया, जमीन है, आराम से जो है लेट जाना है, समतल, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पछिया, दाया, बाया, ये सब स्थान बोधक है। बोलते नहीं अरे पछुआ वे यार चल रही, तो मतलब पश्चिम से जो आ रही है, ठीक है, पूर्वाई चल रही है, तो वो स्थान को बताने वाली चीजें हो गई। ऐसे एक होता है काल बोधक, यानी जो समय को बतलाता है, नया, पुराना, ठीक है, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, ये सब क्या है, समय को बतलाने वाले हो गए, ठीक है। अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, नवीन, सायंकालीन। ऐसे एक अगला होता है दिशा बोधक, ये भी दिशा बोधक भी आपका क्या है, गुण ही तो है, ठीक है, जैसे बोल दिया निचला, ऊपरी, उत्तरी, पूर्वी, ये दिशाएं हैं, ये दिशाएं गुण बताती हैं। कहते नहीं अरे वो उत्तरी सीमा उसकी वहां है, अब वो उसकी विशेषता हो गई, ठीक है। ऐसे एक अगला है भाव बोधक। भाव बोधक में जैसे अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक, ये सब शब्द क्या है, भाव को दर्शाते, लेकिन ये किसके अंतर्गत है, गुणवाचक विशेषण के। ऐसे एक होता है आपका व्यवसाय अगर कोई कर रहे, ठीक है, तो व्यवसाय के शब्दों को भी दर्शाने वाले किसके विशेषण के अंतर्गत, व्यवसाय आपका गुण तो हो गया, जैसे हमने बोला व्यापारी, ठीक है, औद्योगिक, शैक्षणिक, प्राविधिक, ये सब क्या हो गए, ये व्यवसाय से संबंधित शब्द हुए, लेकिन ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अगली चीज है पदार्थ में, जैसे बोल दिया मैंने सूती, रेशमी, ऊनी, कागजी, फौलादी, लौह, अब ये पदार्थ ही हैं, लेकिन ये पदार्थ किसी के बारे में क्या बोल दिए, ये किसी की विशेषता बतलाते रहे। मैंने बोल दिया कि वो कागजी चीजें हैं, अब आप समझ गए कि अच्छा कागजी मतलब बहुत हल्का, ठीक, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, ये पदार्थ को। तो गुणवाचक के अंतर्गत बहुत सारे विभेद आते हैं जिनको मैंने अलग अलग वर्गीकृत करके आपको समझा दिया, ठीक है। आगे अब हम बढ़ते हैं भैया, इसमें मैंने और सारी चीजों को लिख रखा है कि समय अगर कोई बताए, काल के अलावा मैंने समय भी इसमें शामिल कर दिया। अगला, पिछला, बौद्धकालीन, प्रागैतिहासिक, ये सब शब्द किसी की विशेषता को बतला रहे हैं, ठीक है। तो जहां ऐसे शब्द आपके मिलेंगे वो भी क्या होगा, विशेषण का एक रूप होगा, ठीक है। ऐसे तापमान को लेकर है, ठंडा, गर्म, कुनकुना, ये सब शब्द क्या है, किसी की विशेषता को दर्शा रहे। ठंडा पानी, गर्म पानी, कुनकुना है, ठीक है, जिसको गुनगुना भी बोलते हैं। ध्वनि भी, किसी की आवाज बड़ी प्यारी होती है, ठीक है, मधुर ध्वनि है, किसी की आवाज एकदम सो रहे हो अच्छे से सुन ले तो जग जाए, बड़ी कर्कश आवाज होती है, ठीक है,
तो वो भी आपकी क्या है, एक तरीके से विशेषता ही है। ठीक है, तो ये उम्मीद है इस चीज को बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इनके उदाहरणों को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, उदाहरणों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बस आपको सिर्फ कंसंट्रेट होके मेरी हर एक बातों को सुनते रहना है, कोई समस्या आपको नहीं आनी है इनके बाद विशेषण को। देखिए, जैसे मैंने एक शब्द लिखा, विकास एक बलवान व्यक्ति है, यहां पर मैंने पूरा वाक्य जैसा लिखा है। अब इसमें समझिए, विकास की एक बलवान व्यक्ति है। ठीक है, यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि बलवान जो शब्द है, ठीक है, बलवान का जो प्रयोग किया गया, जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह शब्द हमें विकास की विशेषता बतलाने का कार्य कर रहा। ठीक है, विकास शब्द आपका क्या है, विकास शब्द की विशेषता बतला रहा बलवान शब्द, तो इससे क्या चीजें निकल के आई कि विकास का गुण है बलवान होना, तो यह किसका भेद हो गया, विशेषण का हो गया। ठीक है, ऐसे अगला मैंने, बेंगलोर एक स्वच्छ नगर है। अब बेंगलोर आपका एक स्थान है, स्थान है, ठीक है, यानी संज्ञा है, और संज्ञा में इसमें जो स्वच्छ नगर की बात हो रही है, ठीक, ये क्या बता रही, स्वच्छ जो शब्द है वो बेंगलोर की विशेषता को दर्शा रहा। ठीक है, यानी यह क्या हो गया, संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला एक विशेषण हो गया, और कैसा विशेषण, ये गुणवाचक हो गया। आगे बढ़ते हैं, ऐसे मैंने सारी चीजों को लिख दिया है। ठीक है, जो चीजें जैसे शब्द है उनको भी लिख दिया गया है, कुछ उदाहरणों को मैंने और लिखा है। यह मीठा अनार है, यानी यहां जो मीठा शब्द आया, ठीक है, यह क्या है, अनार की विशेषता बतला रहा, अनार यहां विशेष हो गया और मीठा शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, यानी अनार वैसे तो किसी फल का नाम है, और नाम है तो संज्ञा है, और संज्ञा की जो विशेषता बतला है वो क्या है, विशेषण है, मीठा खट्टा चूंकि गुण है। ठीक है, तो ये चीजें किसके अंतर्गत, गुणवाचक विशेषण के भेद के अंतर्गत। शाम के आसपास, ठीक है, शाम को आसमान सुनहरा हो जाता, सुनहरा कौन होता, आसमान होता, तो सुनहरा शब्द आसमान की विशेषता को बतला रहा। ठीक है, ऐसे ही सारी चीजों को मैंने लिख रखा है, जिनसे आप जो है उदाहरणों को समझ सकते हैं। अगली चीज, सर्वनाम के दूसरे विशेषण के दूसरे भेद की ओर बढ़ रहे, जिसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक को बहुत ढंग से समझना, ठीक है, क्योंकि ये प्रयोग आपका अच्छा खासा कर देता है शब्दों में, जहां पर आपको बहुत ढंग से जानना होता। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा, ठीक है, शब्दों को बहुत ध्यान से मेरे सुनते चलना है, हर एक चीजों को, मेरी कलम को आप देखते रहे कैसे क्या चीजें चल रही, आप अपने आप मना स्थित आपकी एक जगह पर है, अपने आप सबको समझ जाओगे। इसके बाद आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें अन्य लेक्चर देखना, अन्य चीजें पढ़ना, आपको सिर्फ अभ्यास की जो है जरूरत पड़ेगी, तो आप अभ्यास कहीं से भी करते रहेंगे। ठीक है, ध्यान दें, संख्यावाचक विशेषण भैया ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते। यहां यह ध्यान रखिएगा कि हमें संख्या का बोध होना चाहिए। ठीक है, संख्या का बोध मतलब यानी उनकी गिनती को लेकर के अगर हमें कोई जो है ऐसी जानकारी मिल जाती है कि उनकी हमें संख्या पता चल जाए, तो वहां पर ऐसे शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। जैसे मैंने पहला शब्द बहुत ही अच्छा चुना है आपके लिए, पहला वाक्य ही, कि दुनिया में 7 अजूबे हैं भैया। ठीक है, अब आपसे सामान्य शब्द में प्रश्न करूं, दुनिया में कितने अजूबे हैं, तो आपको हो गए 7। ठीक, यानी हमें यहां एक संख्या के द्वारा सारी चीजें पता चल रही है। ठीक, तो ये संख्या मतलब यहां पर वो ऐसे शब्द आपके नहीं है जिसके लिए हमें जरूरी हो कि हम संज्ञा और सर्वनाम को ही ढूंढें, है संज्ञा सर्वनाम, लेकिन यहां संख्या को ज्यादा ध्यान आपको रखना है, ज्यादा गौर करना है। ठीक है, आगे इसमें विशेषण के उदाहरण को मैंने बहुत ढंग से लिखा है, जैसे मैं रोज 4 केले खाता हूं, रोज वो कितने, 4। अब 4 केले ही इसकी विशेषता हो गई, 8, 10, 15 नहीं, रोज वो 4 केले खाता है। ठीक है, तो 4 क्या है, एक संख्यावाची विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते, हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं। अब यहां जो 5 शब्द आया, ठीक है, ये भी क्या कर रहा, विशेषता बतला रहा, इसलिए यह भी संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, जिन जो है जितने इसके अन्य उदाहरण बनते हैं उनको एक तरफ मैंने लिख दिया। अमित के पास 3 पेन है भैया, 3। अब 3 ही शब्द क्या कर रहा, विशेषता बतला रहा, तो यह पूरा क्या हो गई,
संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण बन गया। समझ गए? तो संख्यावाचक विशेषण के अब आगे बढ़ते हैं, इसमें भेद की ओर बढ़ते हैं। संख्यावाचक, क्या संख्याएं सदैव आपको एक ऐसे रूप में मिलती रहेंगी जिनको आप गिनते रहो? ऐसा तो है नहीं कि हमें सदैव संख्यावाची विशेषण में गिनने वाली ही संख्याएं मिले। संख्याएं बहुत तरीके के होते हैं, समझो इनको। संख्यावाची जो विशेषण होता है यह दो प्रकार का होता है, ठीक, दो प्रकार। पहला तो यह कैसा होता है कि हमें एकदम करेक्ट सारी चीजें अनुमानित मिल जाएं, यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, पहला इसका भेद होता है। दूसरा भेद क्या होता है? दूसरा भेद भैया इसका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो पहले से हमें एकदम निश्चिंतता हो जाती कि चार बोला गया, पांच बोला गया, दूसरे में बोला तो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, लेकिन आपको कभी भी निश्चित नहीं होगा कि क्या चीजें कितनी बोली गई, ठीक है। इन्हीं को अब आप बहुत व्यापक ढंग से समझिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। देखिए भैया, ऐसे विशेषण जो हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति यानी संज्ञा एवं सर्वनाम का निश्चित बोध कराए, वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे चार वृक्ष, तीन कलम, एक दो तीन, आठ गाय, एक दर्जन पेंसिल, पांच बालक, दस आम, यह सब क्या है? एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत, यानी एक किसी निश्चित संख्या का हमें बोध करवा रही, ठीक है। जैसे उदाहरण मैंने लिखा है, मेरी कक्षा में चार लड़के हैं, चार, ठीक है, मेरी कक्षा में चार लड़के हैं। अब यहां पर एकदम चीजें क्लियर हो गई कि लड़के कितने हैं, सिर्फ चार हैं, ठीक है। तो यह पूरी विशेषता दर्शाने का कार्य कर रहा है। विकास के घर में दो कमरे, दो कमरे, ठीक है। अब दो शब्द ही क्या कर रहा, विशेषता बतला रहा यहां पर। तो यह चीजें क्या हो गई, विशेषण संख्यावाचक विशेषण में निश्चित वाचक विशेषण के, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हो गई। यानी चीजें जो कुछ उसने कहा वो एकदम फिक्स है, निश्चित है, ठीक है। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कुछ भेद होते हैं, इनको एक एक आपको समझना है। पहला होता है पूर्ण संख्या बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। ऐसे आपके निश्चित संख्यावाचक जिसमें पूरी संख्या का वो हमें बोध कराएं, ठीक है। यह विशेषण शब्द किसी पूर्ण संख्या का बोध कराते, जैसे एक, दस, बीस, एक किलो, ठीक है, सौ ग्राम, ये जो शब्द है ये निश्चित तो हमें बता ही रहे और साथ ही साथ पूर्ण निश्चित बता रहे कि अच्छा एक किलोग्राम चीनी है, ठीक है, कमरे में एक बच्चा बैठा है, यानी पूर्ण संख्याएं मिल रही। दूसरी जो होती है भैया ये अपूर्ण संख्या बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। यह विशेषण हमें पूर्ण संख्या का बोध नहीं कराते, जैसे मैंने बोला कि आधा आम रखा है, ठीक है, ढाई, सवा, पौने, डेढ़, ठीक, आदि, ऐसे शब्द निश्चित तो हैं, ठीक, ढाई बज गया, लेकिन यहां पर जो चीजें हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या का बोध नहीं होगा। आपको पता है कि अभी आधा कम है इसमें, ठीक, आधा मैंने बोला तो आधा का मतलब आपको पता है कि ये एक नहीं है, एक में अभी कमी रह गई। हमें निश्चितता पता है लेकिन पूर्ण स्थित उनकी नहीं है। तो ये है अपूर्ण जो है संख्या बोधक आपके विशेषण होते हैं, समझ गए। तीसरा जो प्रकार बनता है वह होता है क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्रमवाचक, ठीक है, यानी एक के बाद एक क्रम मिले, इसको समझिए। यदि विशेषण, यह विशेषण हमें संख्या क्रम का बोध कराता, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, यानी क्रमवाइज जो चीजें हमें मिलती चली जाए, ठीक है, वो क्या होंगी, क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण में होंगी। अगली चीज होती है आवृत्तवाचक। आवृत्त का अर्थ होता है कि किसी का बार बार आना, ठीक है, तो आवृत्तवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसको समझिए। यह विशेषण हमें संख्याओं की आवृत्त का बोध कराते, जैसे जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते, दुगुना, तिगुना, दस गुना, चौगुना, पचगुना, ठीक है, तो ये जो शब्द होते हैं ये सब क्या है, आवृत्त को दर्शा रहे, कोई कितनी बार क्या हुआ है, बार बार उसका दोहराव हुआ, उस दोहराव की संख्या कितनी है। अगला होता है समूहवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यह विशेषण हमें समूह या समुदाय का बोध कराता, जैसे पांचों, आठों, ठीक है, दसों, दसों जो है लड़कों को जगा लो, तो एक समूह हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो इसमें होता है प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण,
ठीक है, ये इसी के अंतर्गत है। कई किताबों में आपको प्रत्येक बोधक अलग लिख जाता है, तो इस वजह से विशेषण की संख्या में बढ़ोतरी होने लगती है। हालांकि ये इसी के अंतर्गत है, संख्यावाचक के अंतर्गत। यह विशेषण हमें हर एक संख्या का बोध कराता, जैसे हर प्रत्येक, हर एक, एक एक, दो, सवा सवा, मतलब ऐसे जहां शब्द मिलेंगे वहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि हम प्रत्येक बोधक जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण को पढ़ रहे हैं। दूसरा अब हम प्रकार आपसे बात करते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं। देखिए, समझिए, ऐसे विशेषण जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित बोध नहीं कराते, ऐसे विशेषण जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित बोध नहीं कराते हैं, ठीक है, यौम उनमें अनिश्चितता बनी रहती है, ऐसे विशेषण शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अनेक, बहुत, सारे, सब, कुछ, कई, थोड़ा, सैकड़ों, यानी आपको यह पता नहीं चलेगा कि भैया कितने लोग हैं, ठीक है। ऐसे शब्द मैंने आपसे बोल दिए, अरे बाजार में तो बहुत भीड़ है यार। अब बहुत भीड़ का मतलब अब हमें पता नहीं चल रहा कि कितनी भीड़ है, कितने लोग, बहुत भीड़ है, ठीक है, ऐसे शब्द मिल गए, ठीक है। आज गए थे मेले में, सैकड़ों की जमात थी, अब क्या हो गया, सैकड़ों, हमें पता नहीं कितने लोग, हमने सैकड़ों बोल दिया बस, ठीक है। तो यह चीज हो गई। उदाहरण में देखिए, यहां तक आने में मुझे अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यहां तक आने में मुझे अनेक जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आपके घर कोई रिश्तेदार आया, आप तुरंत पूछोगे और भैया यात्रा सही रही सब, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, यहां तक आने में मुझे अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब आप पूछोगे क्या हो गया भैया, गाड़ी पंचर हो गई थी, ठीक है, आजकल उसी का जमाना है, ठीक है। तो इस उदाहरण में देखें, एक शब्द यहां आया अनेक मुश्किलों, उसने ये नहीं कहा दो चार मुश्किलें, ठीक है, उसने ये भी नहीं कहा कि दो दिक्कत मुझे आई, ठीक है, उसने कहा अनेक मुश्किलें, मतलब रास्ता भी भटक गए, प्यास भी लगी, पानी नहीं मिला, रास्ते में गाड़ी में तेल खत्म हो गया, पेट्रोल पंप नहीं मिला, गाड़ी पंचर हो गई, मतलब तमाम समस्याओं को झेल के आया, ठीक है। तो यहां पर जो अनेक शब्द लिखा गया उसका अर्थ क्या हो गया कि इससे हमें पता नहीं चल रहा कि ये बेचारा एक ही जगह कहीं भटका या कई दिक्कतें हुई, समझ गए। आगे चल रहे, अगला जो है इसमें दूसरा मैंने जो वाक्य उठाया है उसमें लिखा है कि कुंभ के मेले में असंख्य लोगों की भीड़ जमा होती है, कुंभ के मेले में असंख्य लोगों की भीड़ जमा होती है। अब हमें पता नहीं है कितने लोग, असंख्य, जिनको गिना ना जा सके, तो यह शब्द जो है क्या है, यह आपका जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। कुछ अन्य को मैंने लिख दिया है यहां, मुझे कुछ फल चाहिए, अब पता नहीं है कि भैया चार फल चाहिए, पांच, कुछ चाहिए हमें, ठीक, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का जो है भेद है। अब हम विशेषण के तीसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जिसको आप बोलते हैं परिणामवाचक जो है वो परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, परिमाण को समझना है, यानी ऐसे शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप, तौल या मात्रा, तीन शब्द पर ध्यान देना, नाप या तौल को बताए या मात्रा को बताए, ऐसे शब्दों का हमें बोध करा दे, ऐसी चीजों का बोध करा दे, वह शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। समझ गए, बहुत आसान सी परिभाषा है। जैसे 2 किलो चीनी, 4 किलो तेल, थोड़े फल, 1 लीटर दूध, 1 तोला सोना, थोड़ा आटा, यानी यहां हमें परिमाण के बारे में पता चल पा रहा है, ठीक है, मतलब माप तौल से संबंधित चीजें पता चल पा रही। जैसे मैंने जो उदाहरण को लेकर लिखा है, ठीक है, आप घर में बैठे हैं और घर में हुक्म दिया मम्मी ने कि जाओ बाजार से 1 किलो आटा लेकर आओ, जाओ बाजार से 1 किलो आटा लेकर आओ। अब आप समझिए, ठीक है, यहां बोला तो गया बाजार से आटा लाने को, लेकिन 1 किलो बोला गया, यानी जो परिमाण है आटे का वह क्या है, 1 किलो आटा, ठीक है, यानी इससे हमें ऐसा बोध हो रहा कि आटे का परिमाण मालूम है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत यह उदाहरण आपका आएगा। समझ गए, दूसरा उदाहरण समझिए, मेरे लिए थोड़े फल लेकर आओ, ज्यादा नहीं, थोड़े फल ले आओ, एक आध दो, ठीक है, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए, ठीक है, यानी यहां पर जो शब्द होंगे वह शब्द आपके क्या होंगे,
वह शब्द परिमाण को बताते हैं, यानी किसी की नापतोल को हम कर सके ऐसे शब्दों को बतलाते हैं। समझ गए? इसी में उदाहरण भी आपके सारी चीजें लिखी है, जैसे जाओ जाकर दर्जी से 2 मीटर कपड़ा लेकर आओ। 2 मीटर लाना है, कपड़े का परिमाप हमें जो है मालूम है, कपड़े की नाप हमें मालूम है, माप मालूम है, तो हम लेकर चले आएंगे। ठीक है, अब ये भी क्या होगा, परिणाम वाचक संख्या जो है परिणाम वाचक विशेषण का उदाहरण होगा। आगे बढ़ते हैं, इनके भेदों को समझ लो भैया कि परिणाम वाचक में कैसे कैसे भेद होते हैं। जैसे संख्यावाची में कि संख्याओं में हमने देखा कई भेद हमें मिल गए, यहां आपको समझना है जो परिणाम वाचक भैया होते हैं इसमें भी तो ऐसी तो चीज नहीं है। जैसे ऊपर शब्द आए उन शब्दों में आप समझ गए होंगे, ठीक है, यहां पर आपको क्या समझना है। पहला होता है निश्चित परिणाम जो है परिमाण बोधक या परिणाम वाचक, दूसरा होता है अनिश्चित परिणाम परिमाण जो है बोधक। इन दोनों में फर्क है भैया, ठीक है। यानी निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कौन से होंगे जिसमें किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण को एकदम क्लियर बता दे, क्लियर कट, 1 किलो 2 किलो 3 किलो ऐसे शब्द जहां मिले वो क्या होंगे, वो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण के उदाहरण होंगे। समझ गए? दूसरी चीज, जैसे मैंने बोला 1 बीघा जमीन, 4 मीटर कपड़ा, 2 किलो चीनी, 3 लीटर पेट्रोल, 100 सेंटीमीटर, 2 शेर गेहूं, ठीक है। तो ये सब शब्द क्या है, ये सारे शब्द आपके एक निश्चितता को बतला रहे, ठीक है। दूसरा यहां पर मैंने लिया है, अगली चीज जो है दूसरा जो उदाहरण है अनिश्चित जो परिणाम बोधक आपके विशेषण है ये क्या होते हैं, इनको समझ लो। देखो भैया, वो विशेषण शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते, ठीक है। अनिश्चित मात्रा, यहां हमें दिमाग में मापतौल को लेकर रखना है। जैसे थोड़ी जगह, बहुत पानी, कुछ फल, जरा सा रस। अब इसमें जो चीजें मैंने कहा है उनका मेजरमेंट हो सकता, माप नापतौल हो सकती, माफ कर सकते हो, लेकिन फिर भी हमें माफ करने के उपरांत भी ऐसी स्थिति में नहीं है जहां से कोई चीज हमें निश्चितता आए, तो इसीलिए इनको अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण बोला गया। जैसे जिंदगी में सफल होने के लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना होगा, ये नहीं बताया गया कि भैया तुम्हें इतना परिश्रम करना, बहुत करना है। अब उस बहुत में मतलब है तो निश्चित कि परिश्रम करना ही करना है, लेकिन उसकी मात्रा नहीं पता, अनिश्चित है, ठीक है। आगे बढ़िए, मुझे बैठने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अब ये उसने नहीं बताया कि हमें 4x4 जो है स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं, अगला है मैं, देखो अगला जो शब्द है, तुम्हें थोड़ा काम और करना पड़ेगा, थोड़ा काम और करना पड़ेगा। कहते नहीं, आ तो गए हो बेटा, थोड़ा काम और कर लो, क्या करना है, फिर से बाजार चले जाओ बस, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है यहां, ये तो पता चल रहा हमें परिमाण तो पता चल रहा, लेकिन उनकी कोई भी निश्चितता बोध नहीं होती है। अब आगे हम चौथे प्रकार पर विशेषण में बढ़ते हैं, जो चौथा आपका भेद होता है वह क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण क्या होते। सर्वनाम में मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से, ठीक है। सर्वनाम में यहां पर जो हमें समझना है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। देखो भैया, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बतला दे वह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। समझिए, जैसे यह शब्द सर्वनाम के लिए विशेषण का काम करते हैं, ठीक है। जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की। अब यहां विशेषण शब्द ही क्या कर रहे, वो सर्वनाम शब्द ही विशेषण की भांति व्यवहार कर रहे, यानी सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत सारी चीजों को आपने देख लिया। यानी जब शब्द आपके कैसे हो, सर्वनाम के हो, लेकिन संज्ञा की विशेषता ऐसे वो बतलाएं जिनसे विशेषण के कार्य का वह निरूपण कर दे, यानी ऐसे शब्द सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब सर्वनाम जब मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने सर्वनाम के भेद को जब आपको अच्छे से समझाया था, तो उन्हीं के आधार पर सार्वनिक जो आपके सार्वनामिक विशेषण होते हैं इनके भी भेद आपके सर्वनाम के तर्ज पर ही बन जाते हैं, ठीक है। सर्वनाम में मैंने जैसे आपको जो है इनके 11 उदाहरणों को बताया था, और फिर उनको हमने एक अलग से विभाजन करके, ठीक है,
पढ़ा था वही चीज यहां पर आती है, ठीक है। पूरा का पूरा उसी को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, कि इनके भेद क्या होते हैं। उससे पहले वाक्यों में इनके प्रयोग को आप समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे उस पेन को यहां रख दो, बात कही गई पेन को यहां रख दो, लेकिन यहां पर जो शब्द आया उस पेन को यहां रख दो, यानी जो उस शब्द है वो पेन की विशेषता में बतलाने का कार्य यहां कर रहा, और उस शब्द आपका सर्वनाम है लेकिन यहां विशेषता बतला रहा, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत वो आएगा। समझ गए? यानी सर्वनाम जब विशेषण के तौर पर जो है प्रयुक्त होने लगे, यानी विशेषण का कार्य करने लगे, तो ऐसे सर्वनाम वाले शब्दों को हम सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। अब इनके विभाजन से पहले एक और उदाहरण को समझो। जैसे किस आदमी से बात कर रहे हो, किसी ने पूछ लिया आपसे फोन पर, आप बतिया रहे थे किस आदमी से बतिया रहे हो। अब किस आदमी, आदमी तो हमें तुम बतिया रहे हो किसी से, ये तो बात तय है, लेकिन किससे यह नहीं पता। तो किस चूंकि सर्वनाम के अंतर्गत आता, यहां सर्वनाम संज्ञा की विशेषता को बतलाने का कार्य कर दिया, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि जैसे सर्वनाम जब मैंने आपको समझाया था, तो सर्वनाम में सर्वनाम की विभेदों को भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ये जो आज का लेक्चर है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, जो लोग आपके मतलब आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। 10 प्रश्न आने हैं और 10 मैंने तत्सम तद्भुत जो बताए हैं वहां से आने हैं। पहचानने को लेकर मैंने उसमें ट्रिक बताई है, उसको देख लो। 10 इससे हो गया, विलोम वाला जो है उसका डिस्कशन हो जाएगा किसी दिन। वैसे विलोम तो रटना ही रटना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। तो इन्हीं सारे 6 टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। बाकी मेरा जो सहयोग है वो मैं करता रहूंगा हमेशा, लेकिन पढ़ना आपको अच्छे से। तो यहां पर सार्वनामिक विशेषण देखो भैया, इसका जो सबसे ज्यादा रोल है, कहां कहां पूछा जाता है, ये SSSC में पूछा है, इसलिए मैं यहां आपको बता रहा हूं, ठीक है। UP SSSC में पूछा है इसने सार्वनामिक विशेषण को लेकर के, इसलिए भेद को बता दे रहा हूं। समझो कौन कौन सा है। पहला होता है संकेतवाचक। जैसे विशेषण, जब मैं फिर से वहीं ले चल रहा हूँ कक्षा 6, 7, 8 में, विशेष जब आप पढ़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, अंग्रेजी व्याकरण, तो पिताजी जो है क्या लेकर आते हैं, न्यू लाइट आपको ला कर देते हैं। न्यू लाइट में जब दिस दैट का प्रयोग पढ़ोगे, तो वहां दिस वाली जब चीज आएगी, तो वहां तस्वीर बहुत पास में लगी होती है, और जब दैट का प्रयोग करना होगा तो तस्वीर दूर लगी होती थी, मतलब संकेत को दर्शाते थे। तो पहला जो होता है वह संकेतवाचक, या इसको निश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण बोलते। दूसरा जो है अनिश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण। तीसरा प्रश्नवाचक। जो सर्वनाम के भेद हैं वही चीजें यहां आती हैं। चौथा जो है संबंधवाचक। पांचवा मौलिक सार्वनामिक, इसको समझना है। और छठा है यौगिक सार्वनामिक, इन दोनों को समझना है ढंग से। तो एक एक मैं बता रहा हूं, सिर्फ बातों को सुनते रहना, अपने आप सब पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। पहला होता है संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। जैसे संकेतवाचक में, यानी ऐसे सर्वनाम का प्रयोग करने लगो जिनसे संकेत मिले, यह वह, ठीक है। अब ये दोनों जो शब्द हैं, ये क्या है, संकेत ही तो कर रहे, ये गाय, ठीक है, वो गाय। अब ये सारी चीजें संकेत में हो गई, इस उस आदि सार्वनामिक शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते, तब उन्हें संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण या निश्चयवाचक सार्वनामिक जो है विशेषण भी कहते हैं। दोनों एक ही नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये नहीं वो मिल गया तो आपको गुरुजी आपने नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो यहां पर उदाहरण जैसे देखो, पहला उदाहरण मैंने वाक्य में प्रयोग किया कि इस मेज पर चीजें रखना मना, इस मेज पर रखना मना, बाकी चाहे जिस मेज पर रख दो। अब यहां जो सर्वनाम है इस, ये क्या कर रहा, ये मेज की विशेषता को प्रकट कर रहा। तो यहां सर्वनाम के तौर पर यह नहीं, यह आपका जो है विशेषण के तौर पर प्रयुक्त हुआ, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत कौन सा आपका, खासकर जो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है उसका भेद होगा। समझ? ऐसे दूसरा मैंने लिया है उदाहरण, ठीक है, आगे बढ़ेंगे आप। वह लड़का सबसे तेज दौड़ता है, ठीक है, मतलब हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने बोल दिया वह लड़का, उंगली दिखाई वह लड़का। अब इससे क्या हो गया, किसी को संकेत आपने किया,
तो ये भी सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, समझ गए। अब दूसरा बढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, इसको ध्यान करिए। अनिश्चयवाचक का मतलब कि जहां पर ऐसे सर्वनाम में मैंने आपको पढ़ाया था कि ऐसे शब्द आपको मिले जिनसे किसी के बारे में निश्चितता ना की जाए, वो ये शब्द आपके क्या होते थे, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहां पर वही शब्द अगर प्रयुक्त हो गए और विशेषता में प्रयुक्त हो गए तो इनसे हम अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं। जैसे मुझे कुछ चीज खानी है, अब कुछ खानी है, पेट एकदम आपका क्या कर रहा, पेट में चूहे कूद रहे, बिल्लियां कूद रही, मुझे कुछ खाना है। अब ये नहीं पता, मतलब जो कुछ मिल जाए सब कुछ खा लेंगे, तो यहां पर जो कुछ शब्द आया ये शब्द क्या हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया। कोई आदमी मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है या दिख रहा है, कोई आदमी पता नहीं है, ठीक है, कोई आता दिख रहा है, बस ये हम जानते हैं। तो कोई और कुछ शब्द यहां विशेषता को बतला रहे, इसलिए ये दोनों शब्द आपके अनिश्चयवाचक जो है सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत होंगे, समझ गए। आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे भेद के अंतर्गत, तीसरा होता है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। मैंने सर्वनाम में आपको पढ़ाया था कि सर्वनाम में प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, यानी जहां पर कौन क्या किस कैसे, ये जो सार्वनाम शब्द है यह संज्ञा की विशेषता को बतलाने का कार्य करने लगे, वहां समझ जाना कि यह प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत है, ठीक है। उदाहरण को समझो, क्या चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है बताओ, क्या चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। अब यहां पर आपने प्रश्न तो किया, लेकिन यह प्रश्न आप क्या क्या किया, विशेषता को दर्शाने लगा, इसलिए यह प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण का एक भेद बन गया, ठीक है, उदाहरण बन गया। कौन तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है बताओ, आज उसकी खैर नहीं। तो यहां जो आया शब्द आपका कौन, ये सब क्या हो गए, ये सर्वनाम थे, लेकिन सर्वनाम के यहां रूप से संज्ञा की विशेषता को दर्शाने लगे, इसलिए यह प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ गए। चौथा है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, भैया इसको समझ लो, जहां पर मेरा हमारा तेरा तुम्हारा इसका उसका जिसका उनका, इन सारे सर्वनाम शब्दों से किसी संज्ञा शब्द की विशेषता को बतलाने का कार्य होने लगे, वहां समझ जाना कि यह सब संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। मेरा भाई कहीं गया हुआ है, तुम्हारा नहीं, मेरा भाई, ठीक है। अब मेरा शब्द क्या है, यहां संबंध को दर्शा रहा और संबंध दर्शाने के साथ साथ विशेषता को बतला रहा, ठीक है, तुम्हारा भाई घर पहुंच गया है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, पांचवा जो भेद है इसका मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ये समझिए क्या होता है। जो शब्द अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें मौलिक, मौलिक अर्थ क्या हो गया, मूल रूप में संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता को बतलाएं, समझ गए, ठीक है। जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर, यह लड़की, कुछ काम, यह सब मूल रूप में है, ठीक है, इन्हीं को आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सर्वनाम का मतलब यह कि जब मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनने वाले सर्वनाम बने तो वो यौगिक, ठीक है। योग का मतलब क्या होता है, जोड़, ठीक है। मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाकर ऐसे सर्वनाम की रचना की जाए, ठीक है। जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश, उतना काम, ये सब जो चीजें आ रही हैं, मतलब ठीक है, जैसे जितना काम वो करता हो उतना काम मेरे बस की बात नहीं, तो यहां पर चीजें क्या है, जैसा वैसा, इन सभी में प्रत्यय लगाकर इनका निर्माण किया गया, जितना उतना, ठीक है। तो ऐसे हमेशा आपको ध्यान रखना है मौलिक और यौगिक को। अगली चीज हमें जो सबसे जरूरी है, जो आपको जानना है भैया, ठीक है, वो ये जान लीजिए, दो चीजों को मैं आपके सामने लाया हूं, ठीक है। परिणामवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर जान लो, ये पूछ लेता है कभी कभी, और मतलब आरो आरो में तो ये कंफ्यूज करने वाले टर्म होते हैं, तो जहां से कंफ्यूजन नहीं हो आपकी दूर हो जाए उनको, परिणामवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर क्या होते हैं। ओ, परिमाणवाचक, परिणाम मुझसे निकल गया, ठीक है, सॉरी। जो परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या ध्यान रखना है, क्या गलतियां हम ना करें, ठीक है, देखो भैया, ठीक है, इसमें यह चीज ध्यान रखना हमेशा बच्चा, कि जिन वस्तुओं की नाप तोल की जा सके उनके वाचक शब्द परिमाणवाचक विशेषण, मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया, ठीक है, जिनकी नाप तोल आप कर सके हो वहां पर शब्द प्रयुक्त, क्योंकि कई ऐसे उदाहरणों को मैंने दोनों में लिखा था, तो वहां आपके दिमाग में उठा होगा कि गुरुजी आपने तो दोनों जगह लिख रखा है,
तो उनको दोनों जगह लिखने के पीछे यही आशय था कि जहां वस्तुओं की नाप तौल कर सके उनके वाचिक शब्द आपके क्या होंगे, परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण होंगे, लेकिन जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके उनके वाचक शब्द संख्यावाचक विशेषण होंगे, ठीक है, जिनकी गिनती कर पाओ और जिनको नाप तोल पाओ वो आपके क्या होंगे, परिमाणवाचक होंगे। यह दोनों अंतर को जरूर ध्यान रखना, नहीं तो वहां गलत कर दोगे। अगली चीज है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, मैंने अभी समझाया, छह भेद भी बताए। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर हो वहां पर सर्वनाम वो कहलाएगा, समझे, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर हो वहां पर वह सर्वनाम होगा। लेकिन जैसे यहां मैंने उदाहरण भी दे दिया, हालांकि मैंने पढ़ाया है, लेक्चर देखा होगा तो सारी कंफ्यूजन आपकी दूर होगी। दूसरी चीज जैसे है यहां पर, ठीक है, कि जब जो है शब्द का प्रयोग कहां पर होने लगे, संज्ञा के साथ साथ होने लगता है, तो वहां पर वह सार्वनामिक विशेषण की भांति व्यवहार करने लगते। अगली चीज समझ लो, सबसे ज्यादा जरूरी है भैया विशेषण की अवस्थाएं, ये भी पूछता है आपके आरओ आरओ में और सामान्य पेपरों में भी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी ऐसा नहीं है, नहीं कई बार आया है विशेषण की अवस्थाएं, इसको समझ लो, आरओ आरओ के लिए तो बहुत जरूरी है ये भी। देखो भैया, विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं और विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष फिर उसके साथ कम ज्यादा होते हैं, गुण दोष जो होंगे किसी में कम होंगे किसी में ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है, कोई महागुणी होगा तो कोई महाअवगुणी होगा, दोनों चीजें आती हैं, ठीक है। गुण दोषों के इस कम ज्यादा होने को तुलनात्मक ढंग से ही जाना जा सकता, तो तुलना की दृष्टि से विशेषण के तीन भेद बनते हैं। पहली चीज क्या बनती है, पहली जो इसकी जो है अवस्था होती है जिसको बोलते हैं मूलावस्था, एक विशेषण जो मूलावस्था में हो, दूसरा होता है उत्तरावस्था, तीसरा भेद बनता है इसका उत्तमावस्था। तीनों को समझना है क्योंकि तीनों से संबंधित सवाल आपको मिलेगा, समझिए। मूलावस्था, मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, मतलब एकदम हम सीधे साधे भोले भाले स्वभाव में आपको मिल गए हैं तो हम मूलावस्था में अपने हैं, ठीक है, वह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता, जैसे सावित्री सुंदर लड़की है, सुरेश अच्छा लड़का है, सूर्य तेजस्वी है। यहां पर क्या है, यहां साधारण शब्दों के द्वारा ही विशेषता को दर्शाया जा रहा है। अब समझिए दूसरी बात, उत्तरावस्था क्या है भैया, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाए तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है, यानी जब दो के बीच, पहले वाले में सूर्य तेजस्वी है, एक ही व्यक्ति के बारे में जहां पर आपको सारी चीजें बताई जाने लगी वहां समझ जाए कि वह मूलावस्था की बात किया जा रहा है, लेकिन जब दो के बीच में कंपैरिजन आ जाए, दो के बीच में उतार चढ़ाव को दर्शाया जाने लगे, वहां समझ जाना कि यह क्या है, उत्तरावस्था है। जैसे रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, यहां रविंद्र और चेतन में बुद्धिमानी को लेकर तुलना कर दी गई, ठीक है। दूसरा, सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है, अब दोनों की सुंदरता को क्या किया गया, यहां पर तुलनात्मक दे दिया गया, तो यह विशेषण की उत्तरावस्था होगी, बहुत अच्छे से समझना, गलत मत करना। तीसरी चीज आती है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था में दो में से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक एवं जो है या किसी को सबसे कम बता देंगे, दो की करेंगे दो से ज्यादा, लेकिन एक को हमने सबसे बेस्ट बता दिया या सबसे घटिया बता दिया, समझो कैसे। पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, सबसे ज्यादा अन्न कहां, पंजाब। संदीप निकृष्टम बालक है, मतलब सबसे बेकार, सारी उसकी हद को हमने सबसे अंतिम में ला के रख दिया, तौल दिया। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या हैं, ये है सब आपके तीसरी अवस्था विशेषण की उत्तम अवस्था होती, जहां सबको, सब में से किसी एक को बढ़िया या सब में से किसी एक को घटिया दिखा दिया जाए, वह उत्तम अवस्था। समझ गए, कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये आएगा भैया, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना है, केवल गुणवाचक एवं अनिश्चित संख्यावाचक तथा निश्चित परिणामवाचक विशेषणों की हो तो ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती है, अन्य विशेषणों की नहीं, इस बात को याद रखना। जहां बात केवल गुणवाचक एवं अनिश्चित संख्यावाचक तथा निश्चित परिणामवाचक विशेषण की हो वहां ये तुलनात्मक अवस्थाएं आएंगी, ठीक है, अन्य विशेषणों में तुलनात्मक अवस्थाएं आपको नहीं मिलेंगी, ध्यान रखना, कहीं पूछ ले कि किन किन में होता है तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब विशेषण की अवस्थाओं के रूप को समझ लो,
ठीक है। जैसे मैंने यहां उदाहरण दे रखे हैं कि मूलावस्था क्या होती है, उत्तरावस्था क्या होती है, उत्तमावस्था क्या होती है, कैसे बनाओगे, ठीक है। यहां पर मैंने उदाहरणों को लिख रखा है, जैसे अच्छी, अब ये मूलावस्था है, सीता बहुत अच्छी लड़की है, उत्तरावस्था, ठीक है, मैंने बोला सीता अच्छी लड़की है, दूसरा हो गई अधिक अच्छी लड़की, बहुत अच्छी, ठीक है, उत्तमावस्था सबसे अच्छी लड़की, सीता सबसे अच्छी है। अब यहां किसी एक को बढ़ा दिया गया, ऐसे शब्दों को मैंने दे दिए हैं, पूरा का पूरा आपको लिख दिया है। अब बात आती है विशेषणों की रचना कैसे होती, मतलब मैंने बताया ना कि यहां के बाद आपको ये नहीं सोचना कि गुरुजी ये पॉइंट नहीं बताए थे, ठीक है। देखो भैया, विशेषणों की जो रचना होती है, ठीक है, कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते, किंतु कुछ शब्द विशेषणों की जो रचना होती है संज्ञा सर्वनाम एवं क्रिया शब्दों से की जाती है, ठीक है। कुछ तो आपके क्या होते हैं विशेषण शब्द, आपके मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ की रचना करनी पड़ती है, जैसे सर्वनामिक वाला मैंने बताया, सर्वनाम की वजह से बन गए, ठीक है। तो यहीं पर सारी चीजों को आपको समझना है। सबसे पहली चीज, रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, समझना। विकारी शब्द में परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि जो जो है लिंग वचन इन सभी के अनुरूप बदल ले अपने आप को, वो क्या होते विकारी, लेकिन विशेषण विकारी अविकारी दोनों में होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। जाहिर है अविकारी विशेषणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह अपने मूल रूप में बने रहते। जैसे मैंने बोला राम का कुत्ता पीला है, ठीक है, सीता सुंदर है, अब सुंदर शब्द मैंने चाहे जो है सीता के लिए प्रयोग करूं, चाहे मैं राम के लिए प्रयोग करूं, लिंग बदला लेकिन कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो विशेषण विकारी अविकारी दोनों रूप में होता है, ध्यान रखना। कहीं पूछ ले आपसे कि विशेषण के रूप जो देखने को मिलते हैं वह होते हैं केवल विकारी, दूसरा लिख दे अविकारी, तीसरा लिख दे दोनों, चौथा लिख दे उपरोक्त में कोई नहीं, अब आप विकारी पढ़ के मार के चले आए कि विशेषण को हमने विकारी में पढ़ा था, वहां गलती मत करना। तो दूसरी चीज ये होती है संज्ञा से विशेषण बनाना, ठीक है। इस लेक्चर को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो विशेषण संबंधी गलत नहीं करोगे, ठीक है। संज्ञा से विशेषण, इसमें प्रत्यय लगा देते हैं संज्ञा शब्दों में, जैसे का प्रत्यय मैंने लिया, अंश, अंश संज्ञा है, इसमें जोड़ दिया तो आंशिक बन गया। धर्म लिया, धर्म शब्द में मैंने का प्रत्यय जोड़ा तो धार्मिक बन गया। अलंकार था, अलंकार में मैंने का प्रत्यय जोड़ा तो अलंकारिक बन गया। ऐसे मैंने लिख दिया है पूरा, जहां से आप समझ सकते हो पूरी चीजों को ढंग से, ठीक है। ऐसे ही सारी चीजों को मैंने बता दिया। तीसरा जो है अव्यय में प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनते हैं, जैसे अव्यय कोई है आपका अंदर, इसमें प्रत्यय लग गया ऊनी तो क्या विशेषण बन गया, अंदरूनी, ठीक है। जैसे दूसरा है बाहर और इसमें प्रत्यय लग गया ई तो बाहरी बन गया, ठीक है। कुछ विशेषण क्रियाओं से बनते हैं, जैसे चलना से चलने वाला, कमाना से कमाऊ, भागने से भागने वाला, ठीक है। ये सब क्या है, क्रिया से विशेषण बना दिए गए, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण की रचना होती, जैसे भला बुरा, छोटा बड़ा, चलता फिरता, दुबला पतला आदमी, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, ये शब्द क्या है, दो शब्दों के मेल से भी विशेषण की रचना को दर्शाते। अगली चीज है कुछ विशेषण सर्वनामों से बनते हैं, जैसे यह से क्या बना दिया हमने, ऐसा, यह से इतने, यह से इतना, जो से जैसे, वह से वैसा, ऐसे शब्दों की रचना होगी, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते जिस तरह सर्वनाम, जैसे यह बालक, एक बालक था तो हमने कहा यह बालक, लेकिन जब यहां कई बालक हो गए तो बोलेंगे वह बालक, इसमें भी परिवर्तन हो रहा, ठीक। उस लड़के का, उन लड़के का, यहां पर भी परिवर्तन देखने को मिला ना। जब संज्ञा का लोप रहता और विशेषण संज्ञा का काम करता जहां पर, तब उसका रूपांतरण विशेषण के ढंग से नहीं संज्ञा के ढंग से होता है, ठीक है। अक्सर विशेषण के साथ परसर्ग का प्रयोग नहीं होता, परसर्ग यानी कारक, कारक का प्रयोग नहीं होता, विशेष के साथ लगता है, परंतु संज्ञा बन जाने पर विशेषण पद के साथ परसर्ग अवश्य लगता है। जैसे देख लेना, बड़ों की बात माननी चाहिए, अब की आया शब्द ना, बड़ों की, अब की क्या है, परसर्ग है, कारक है, तो इसका प्रयोग जरूर हुआ, यहां पर परसर्ग का प्रयोग आवश्यक बन गया। बीरो ने सब कुछ कर दिखाया, ठीक है, अब बीरो ने, अब ने भी तो परसर्ग है, कारक है, ठीक है। उसने सुंदरी से पूछा, अब सुंदरी से भी तो परसर्ग है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज के पूरे लेक्चर से आपका विशेषण पूरा कंफर्म हो गया। इससे भैया विशेष्य जो शब्द बनते हैं, विशेष्य और विशेषण, उसके 5 से 6 मैंने
जो है जितनी मेरे पास कलेक्शन थी उसको पीडीएफ में लगा दिया है मैंने, ठीक है, उससे पढ़ लेंगे तो वो उम्मीद है मुझे कि पूरा मदद देगा। बाकी कैसा लेक्चर लगता है उसके बारे में जरूर बता के जाओ, हम लोग मेहनत करते हैं अच्छे से, ठीक है, बाकी पूरा प्रयास होगा, एक से एक चीजें लाएंगे, सब कुछ पूरी चीजें मन लगा के पढ़ो, टीम आपके साथ है, धन्यवाद।